क्या डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए या आईटी किसी जॉब के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, उसी के बारे में आज बात करेंगे डिटेल में वीडियो में। तो अगर अभी जाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जितना भी आपका कंफ्यूजन या डाउट है वो पूरा क्लियर इसमें हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। आईटी की जॉब यानी डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब, नेटवर्क की जॉब या इनिशियल लेवल की सर्वर की जॉब, तो आप लोग क्या चाहते हो कि मतलब यूके जाओगे जॉब करने, यूएसए जाओगे, कनाडा जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इसलिए आप सिर्फ बोल रहे हो कि इंग्लिश आनी जरूरी है। बता दूं जो इस टाइम वर्किंग है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जो वर्किंग है उनसे पूछो कि अंदर कंपनी में कितना कम्युनिकेशन यूज होता है, कितनी इंग्लिश यूज करते हैं यार। बाकी जब उस एनवायरमेंट पर रहते हो ना एक महीने, दो महीने, तीन महीने, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आने लग जाती हैं, वो उन चीज़ों पर आप डील करने लग जाते हो। वो फिर चाहे आपका यूएस का क्लाइंट हो, चाहे यूके का क्लाइंट हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, दुबई, कहीं का भी क्लाइंट हो आपका, जब आप वहां पे दो या तीन महीने, डेढ़ महीने काम करने लग जाते हो तो वो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट वैसा बन जाता है और जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है वो आप आसानी से बोलने लग जाते हो। एंड दोस्तों, रही बात इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में मैं बता दूं अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ एक डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब या एक इनिशियल कोर्स की जॉब या इनिशियल लेवल की जॉब के बारे में। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आप इंटरव्यू देने गए हो, तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि वो इतना इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं देखते, वो सिर्फ बंदे में एक चीज़ देखते हैं कि बंदा जो बता रहा है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कितना है। तो बहुत ही जगह ये होता है कि जो सामने वाला बंदा बैठा होता है ना, जो आपका आईटी का इंटरव्यू ले रहा होता है, उसे आईटी का खुद पता ही नहीं होता है, वो चीजें पता ही नहीं होती हैं उसे कि सर्वर डीएससीपी आईपी कैसे ले रहा है या पीपा आईपी कैसे उठा रहा है या सिस्टम नॉट वर्किंग, ये सारी चीजें उसे खुद नहीं पता होती हैं। वो बस बंदे का अंदर कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि जो ये बता रहा है वो कैसे बता रहा है और क्या बता रहा है, कितना इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन इतना मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन होते हैं या जो आंसर्स होते हैं वो बस आप उतना पढ़ लो, उतना इंग्लिश में ही जवाब देना है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होता ना वो खुद हिंदी पे आ जाता है, वो खुद हिंदी बोलने लग जाता है कि अच्छा चलो ये नहीं, अब आप ये बताओ, अच्छा कोई सिस्टम नहीं चला, क्योंकि उसे कम्युनिकेशन तो आता है, कम्युनिकेशन वो बोल लेता है, अच्छा बोल लेता है। लेकिन और कई कंपनीज में ऐसा होता है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो एचआर टीम है या मैनेजर, उनका खुद कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है। सो दोस्तों फाइनली यही है, ये सोच के मत बैठो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे ये नहीं होगा। मेरे आप वीडियोस देखते हो, मुझे देख लो, मेरा कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें यार वो सोच के बैठे हो ना कि यार इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आता, मेरा होगा नहीं यार, कैसे काम करेंगे, तो ये चीज़ें सिर्फ एक आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, सिर्फ ये बहाने हैं। आप जाओ ट्राई करो, वो कहावत है ना, सफलता मिले ना मिले वो तो हालातों की बात है, हम अगर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और आईटी की जॉब के लिए इनिशियल डेस्कटॉप सपोर्ट, लोकल आईटी सपोर्ट के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अंदर जाओगे ना, अगर मैं सीधा से बोल दूं तो वहाँ पे जो आपस के बंदे होते हैं ना कभी भी इंग्लिश या कम्युनिकेशन कभी भी यूज़ नहीं करते हैं वो सब, जैसे अपन लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, अबे तू ये कर ले, अबे तू ये, मतलब कि और इससे भी ज़्यादा बदतर लैंग्वेज में। तो आप समझ सकते हो, बस ये है कि जो इंटरव्यू के टाइम होता है उतने क्वेश्चन आप चाहे रट लो, चाहे पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बस वो क्वेश्चन के जवाब दे देना। बाकी इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप खाना खा के आए हो कि नहीं आए हो, आप और बताओ क्या हाल चाल है, तो ये थोड़ो ना तुमसे इंग्लिश में रहा है। पूछे सामने बैठा बंदा है वो, अपन लोग को तो पता नहीं होता है, जब अंदर जाओ कंपनी में तब पता चलता है यार इसने इंटरव्यू लिया था, इसे तो आईटी के बारे में मालूम ही नहीं है, ये तो मैनेजर है, ये तो अब मैनेजर होते हैं या लीड होते हैं तो वो दूसरा कोर्स करके आते, वो मतलब हर जगह ये नहीं होता बेसिकली, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जो मैनेजर होते हैं उन्होंने आईटी के बारे में पढ़ा नहीं होता है। एक इसमें बेसिकली कोर्स होता है आईटीआईएल का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, तो वो लोग वो पढ़ के वहाँ पे टीम लीड बन जाते हैं या मैनेजर बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट ये नहीं कि उन्होंने डेस्कटॉप सपोर्ट पे जॉब किया है, नेटवर्क पे जॉब किया है, फिर वहाँ तक फिर वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयर कंडीशन में। बाकी कई जगह होता भी है, मल्टीनेशनल कंपनी में कई बार आपका टेलीफोनिक राउंड में भी क्लियर हो जाता है। लेकिन ये सोच के मत बैठो कि इंग्लिश नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मैं जॉब कैसे कर पाऊँगा, ये वो, आप अंदर जाओगे एक बार सिलेक्शन हो गया
तो आराम से 1.5-2 महीने सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो वहाँ पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लो ताकि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो, आपके पास जरूर पहुँच जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट है कोई नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद जय भारत।